न्यूज खबरों की नई पहचान। शहर के हीरापुर झरनापाड़ा में जिला प्रशासन ने शुक्रवार को अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया, जिसके तहत डेढ़ दर्जन से अधिक लोगों के कब्जे से जिला परिषद की जमीन को मुक्त कराया गया। मौके पर मौजूद एसडीएम सुरेंद्र प्रसाद ने बताया कि जिला परिषद के ओर से उप विकास आयुक्त ने अतिक्रमित जमीन को खाली कराए जाने को लेकर पत्र लिखा था, जिसके आलोक में कार्यवाही की जा रही है। इसी आलोक में जिला प्रशासन पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची है और अतिक्रमणकारियों को हटाया जा रहा है। मालूम हो कि उक्त स्थान पर जिला परिषद ने विवाह भवन का निर्माण करवाया था, जिसके आसपास डेढ़ दर्जन से अधिक लोगों ने अस्थायी निर्माण कर जमीन को अतिक्रमण कर लिया था, जिससे जिला परिषद विवाह भवन को जरूरत के समय उपलब्ध कराने में असक्षम साबित हो रही थी। ऐसे में जिला परिषद द्वारा जिला प्रशासन से उक्त भूभाग को अतिक्रमण से मुक्त कराने के लिए पत्र लिखा था। आज जो है सर, किस तरह का अभियान चल रहा है? चलिए, ये जिला परिषद की जमीन थी, डीडीसी सर ने इसका रिक्वेस्ट लेटर भेजा था कि जिला परिषद की जमीन को कुछ लोगों ने इनक्रॉच कर लिया है, तो उसी इनक्रॉचमेंट को हटाने के लिए आज हम लोग पुलिस बल के साथ यहाँ पे आए हुए हैं। धनबाद सदस्यों को हमने दंडाधिकारी प्रतिनियुक्त किया था यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा विवाद हो रहा था तो मुझे खुद आना पड़ा है, और अभी आप देख रहे हैं कि हम लोग इसको सारा खाली करा के ही यहाँ से वो जाएंगे, क्योंकि जिला परिषद की जमीन है, यहाँ विवाह मंडप बना हुआ है, इसका यूज़ नहीं हो रहा था, तो इसी मुद्दे पर आज हम लोग सब यहाँ पे आए हुए हैं। कितने घर हैं यहाँ पे? जिस तरह आपने देखा होगा इंक्रोचमेंट के रूप में 15-16 लोग हैं जो करकट बना के इनसाइड द बाउंड्री, जिला परिषद के बाउंड्री के अंदर इन लोगों ने घर बना के रखा है, तो आज उसी को हम लोग हटा रहे हैं, और ये सारे लोग हटा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि सारे लोग हट जाएंगे शाम तक यहाँ से।